हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। आज की हम इस वीडियो को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो सेकंड मेथड है आपका रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, विच शोज द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल, तो उसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इस मेथड को समझेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो मेथड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने का, और ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि प्रिडिक्ट करती है अननोन वैल्यू ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज अ मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डाटा। तो ये रिलेशनशिप जो सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में है, दिस इज रिप्रेजेंटेटेड बाय दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर y जो है वो वर्किंग कैपिटल है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है, व्हाइल a इज इंटरसेक्ट ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। उसके बाद अगर हम b देखें तो स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन ये वर्किंग कैपिटल एंड सेल्स के स्लोप को दिखाता है। x जो है वो है सेल्स, दैट इज इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो इस ये जो मेथड है एक प्रूवन मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लिटिल बिट आप कह सकते हो डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अवर प्रीवियस मेथड, दैट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। लेकिन हमें इस मेथड को भी समझना है, और ये मेथड भी बहुत यूजफुल मेथड है, और इसे भी हमने जब एस्टिमेट करना है वर्किंग कैपिटल का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टिमेट एक्यूरेटली, सो वी हैव टू यूज दिस मेथड आल्सो। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस मेथड, दैट इज द सेकंड मेथड, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। इसमें मैंने एक प्रॉब्लम ली है आपके सामने, और इस प्रॉब्लम से मैं इक्वेशंस के साथ जो दो इक्वेशन बनती हैं आपकी, इस इक्वेशंस के साथ हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको जो दी है, देखिए आपको ईयर दिए हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों सालों में आपको सेल्स दी हुई है और वर्किंग कैपिटल जो है आपको वाई भी दिया हुआ है। अब हमने किस तरीके से एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो आपको मैंने इक्वेशन बता दी है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब ये जो एन है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर 5 है। अब ये दो इक्वेशन बनती हैं सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। अभी हमने सारा कैलकुलेट किया है आपके सामने, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। हम सबसे क्यों मेथड से आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ए और बी की वैल्यू अभी आपके सामने निकालेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेल्स जो है इसको ऐड कर दीजिए, आपका सिग्मा एक्स आ गया 550 और एन है आपके 5 साल है, इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 5 आ गई। इसके बाद जो सिग्मा वाई है इन सबको टोटल कर दीजिए, आपका सिग्मा वाई आ जाएगा 91। इसके बाद एक्स वाई, एक्स मीन्स सेल्स एंड वाई मीन्स वर्किंग कैपिटल, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखिए 12 × 60 = 720, इसी प्रकार से 15 × 80 = 1200, इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन सबका जो टोटल कर लेंगे आपका सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा 10730। उसके बाद हम एक्स स्क्योर, जो आपकी x की वैल्यू थी जैसे 60 है, इसको 60 से 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस प्रकार से आपकी ये वैल्यू आती जाएगी 80 × 80 = 6400। इन सब का हम टोटल कर देंगे, सिग्मा x स्क्वायर आपका आ जाएगा 66900। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इन सारे फिगर की हेल्प से। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो आपकी जो सिग्मा y, सबसे पहले देखिए सिग्मा y कितना है, आप यहाँ पर देखेंगे सिग्मा वाई इज इक्वल टू 91। सबसे बात आप पहले इक्वेशन लिखी लीजिए, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, इसे लिख लीजिए और फिर लिखिए सिग्मा वाई आपके पास कितना है 91। इसके बाद एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास 5। उसके बाद हम आगे करेंगे, अभी आपको ए की वैल्यू तो आपने निकालनी है तो आप ऐसे रख दीजिए। इसके बाद देखिए आप बी सिग्मा एक्स आपको दिया होगा जरूर यहाँ पर 550, तो आप कितना लिखेंगे सिग्मा बी 550। तो देखिए यहाँ पर आपने लिख लिया 550,
सिग्मा एक्स और इसके साथ आप लगा दीजिए बी। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन थी सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई कितना है आपके पास 10730। इसके बाद ए, ए को आपने ऐसे ही लिखना है और इसके बाद सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए, आपको दिया हुआ है 550। उसके बाद प्लस, प्लस कर दीजिए, बी ऐसे लिख दीजिए, इसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है 66900। अब हम इस दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड से। आप देखिए यहाँ पर इसे 550 ले आएंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 के साथ। अब हम जब 110 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी जो रकम आ जाएगी वो आ जाएगी 10, आप लिखिए 010। जब आपने इसको 110 से मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पर आ जाएगा 550A प्लस आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 500B। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो B की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 112। इसी तरीके से आप जब B की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, समझ लीजिए आपने B की वैल्यू पुट कर दी तो आपकी ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 5.825। This is very simple algebraic equation which you can solve yourself because two equations have been given and just you have to do cross multiplications. तो आप cross multiplication से ये equations को जो है solve करके इन दोनों को solve कर लीजिए और आपका जो a की value भी आ जाएगी और b की value भी आ जाएगी। जब आपकी a और b की value आ ही गई है देख लीजिए आपके सामने, तो आप ये first वाली equation को solve करेंगे। First जो equation थी आपकी y is equal to a plus b x, तो देखिए आप कैसे करेंगे, y तो आपने निकालना है, a आपको दिया हुआ है, तो आपकी आई है वो कितनी आई है 5.825 प्लस b की वैल्यू आपको दी हुई है 0.1125 और x आपको दिया हुआ है। देखिए आप अगर डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्प्ले किया है आपको सवाल और उस सवाल में आपको दिया हुआ है 200 जो है आपके क्या है वो सेल्स दी हुई है, तो 200 जो सेल्स आपकी आई है उस 200 सेल्स को हम यहाँ पर लिख देंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 27.825। तो ये आपका आंसर आ गया है। वेन एस्टिमेटेड सेल्स फॉर 2008-09 आर 200 लाख, अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग विल बी वर्किंग कैपिटल, अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल विल बी ₹27,0.825 lakhs। तो ये आपका इसका आंसर आ गया है। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, चाहे इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है पर अगर आपको अलजेब्रिक इक्वेशन आती है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। वर्किंग कैपिटल को हम इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे, मेथड है उसको अगली वीडियो में मैं समझाऊंगी कैश फॉरकास्टिंग मेथड। तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस है वो आगे कवर करते जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।